अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि गूगल ऐप्स को किस तरीके से हम अपने डोमेन नेम के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। गूगल ऐप्स बेसिकली, इसकी पहले तो हम वेबसाइट पे चलते हैं। इसका यूआरएल है http://google.com/a। गूगल की साइट पर अगर आप यूआरएल भूल भी जाएं तो जाके लिखें अगर आप गूगल ऐप्स सर्च क्वेरी पे, तो ये आपको मिल जाएगा। बिज़नेस ईमेल, तो इसके कुछ फ़वाद ये हैं कि आपको एक तो जीमेल मिल जाता है अपने बिज़नेस के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका एक डोमेन नेम है mybusiness.com, तो उसके साथ कुछ ईमेल एड्रेसेस आते होंगे, लेकिन आप अपने डोमेन को गूगल के साथ इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। गूगल कैलेंडर है, गूगल डॉक्स, गूगल साइट्स, ये कुछ चीज़ें जो आपको मिलती हैं। अब पहले तो आप क्यों स्विच करना चाहेंगे? अगर आपके पास अपना डोमेन नेम है तो ऑब्वियसली उसके साथ आपके पास कुछ ईमेल अकाउंट्स भी होंगे, और उन ईमेल अकाउंट्स को आप यूज़ भी करते होंगे, तो व्हाई वुड समबडी वांट टू स्विच ओवर टू जीमेल? इसके अपने पर्सनल रीजंस हो सकते हैं हर किसी के। मेरा जो एक क्लाइंट का डोमेन था, उसमें बेसिकली मैंने क्यों जीमेल प्रेफर किया, उसका नंबर वन रीज़न तो यह है कि जीमेल का जो इंटरफेस है बहुत सिंपल है, बहुत सादा है, मुझे बहुत पसंद है। मतलब टू द पॉइंट है, हर चीज़ वहीं पे अवेलेबल है और ज़्यादा आपको कुछ ढूंढना नहीं पड़ता। दूसरी सर्विसेज में आप देखें, याहू, हॉटमेल हो, हर तरफ बैनर एड्स हैं। तो जीमेल में भी एड्स हैं, ऑब्वियसली एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और फ्री में कर रहे हैं, तो एडवर्टाइजमेंट के बगैर तो नहीं हो सकती, लेकिन दे आर लेस ऑब्ट्रूसिव, इतने ऑब्ट्रूसिव नहीं है, इतने अनोइंग नहीं है, बेसिकली टेक्स्ट एड्स हैं। तो दूसरा रीज़न जो मैंने स्विच किया जीमेल में, वो ये था कि जब आप किसी होस्टिंग प्रोवाइडर से साइन अप करते हैं किसी होस्टिंग के लिए, तो आपको कुछ लिमिटेड नंबर के अकाउंट्स मिलते हैं। जिस होस्टिंग प्रोवाइडर से मैंने अपने क्लाइंट को साइन अप करवाया था, उसने जो सबसे जो उनका जो एंट्री लेवल पैकेज था, उसमें उन्होंने उसको आई थिंक 3 पॉप अकाउंट्स दिए थे। अब एक ऑर्गेनाइजेशन की जैसे जैसे नीड्स बढ़ती हैं, तो ऑब्वियसली ये भी हो सकता है कि उनकी ज़रूरियात ईमेल अकाउंट्स के मुताबिक बढ़ें। तो जीमेल का एक ये फ़ायदा भी है कि इसमें आई थिंक आपको अलाउ करती है 50 अकाउंट्स, शायद अलाउ करती है आपको, यूज़र आप बना सकते हैं 50। आई एम नॉट श्योर 50 था कि 100 था। अगर इसके अभी जब हम साइन अप करेंगे इसको, तो उसमें आप देखिएगा कि कितने हैं। और इसका जो तीसरा बड़ा फ़ायदा यह है कि ये जो स्टैंडर्ड एडिशन है वो बिल्कुल फ्री है। तो खैर, अभी यूज़र अकाउंट्स कितने बनते हैं उसको छोड़ते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि 15-20 से ज़्यादा ही बनते हैं। अभी जब मैं साइन अप कर चुकूँगा तो आप देख लीजिएगा कि कितने बनते हैं। तो ये तीन रीजंस थे बेसिकली जिसकी वजह से मैंने गूगल ऐप्स को प्रेफर किया। फिर दूसरी बात आ जाती है, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में टीम्स में काम करते हैं तो आपको मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसमें एक बहुत अच्छी फीचर यह है गूगल डॉक्स की। आप बेसिकली अपने वर्ड डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स और प्रेजेंटेशंस विद इन द टीम शेयर कर सकते हैं, उस पर कमेंटिंग कर सकते हैं, जैसा कि टीम एनवायरनमेंट्स में होता है। फिर आपका गूगल कैलेंडर है, गूगल साइट्स है, तो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट्स आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज का बेसिक टॉपिक यह है कि गूगल ऐप्स को किस तरह से हम जीमेल, पहला स्टेप है कि मेल अपनी किस तरह से एक्टिवेट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपना डोमेन लिया है mydomain.com, अब आप चाहते हैं कि इस डोमेन की सारी ईमेल आपके, जो भी आपको वेब इंटरफेस दिया गया है मेल एक्सेस करने का, उस पर ना आए बल्कि जीमेल पे आए। तो शुरू करते हैं। पहले तो हम जाएंगे, अब यहाँ देखिए बिगिन फ्री ट्रायल लिखा है यहाँ। इसके कुछ पेड एडिशन्स भी हैं, लेकिन हम फ्री एडिशन पे साइन अप करेंगे, जिसको जो कि है बेसिकली स्टैंडर्ड एडिशन। एक और फ़ायदा जो गूगल ऐप्स यूज़ करने का है फॉर मेल, उसमें आप ये देखिए,
यहाँ पे मेंशनड है कि 25 GB ऑफ ईमेल स्टोरेज पर एम्प्लॉई, यानी कि हर एम्प्लॉई को जो ईमेल स्टोरेज स्पेस दी जाएगी, यानी कि जितने आप अकाउंट्स क्रिएट करेंगे हर अकाउंट की जो स्टोरेज स्पेस है वो 25 GB है। मुझे नहीं लगता कोई भी होस्टिंग प्रोवाइडर अपनी एंट्री लेवल पैकेज या इंटरमीडिएट पैकेज या एडवांस पैकेज में भी इतनी ज़्यादा 25 GB की स्पेस देती होगी पर एम्प्लॉई, और अगर देती भी होगी तो उसके ईमेल अकाउंट्स लिमिटेड होंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो ये भी एक बहुत अच्छी इनकी वो है कि 25 GB, ऑब्वियसली 25 GB कहाँ ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यू नेवर नो, 25 GB इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस। अच्छा, तो आइए हम गेट स्टार्टेड के आइकॉन पे अब ये जो बटन है इस पर क्लिक करते हैं। पहला है कि टू साइन अप फॉर गूगल एप्स एंटर योर ऑर्गेनाइजेशंस डोमेन नेम। अब जो डोमेन नेम मैं अभी क्लाइंट के लिए चेंज करने जा रहा हूँ वो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। अच्छा, पहले आई वॉन्ट टू यूज़ एन एग्जिस्टिंग डोमेन। यहाँ पे आप चाहें तो नया डोमेन भी ख़रीद सकते हैं और उसकी कॉस्ट गूगल से है $10 पर ईयर, $10 पर ईयर। क्योंकि मेरे पास डोमेन है तो मैं यहाँ पे अपने डोमेन का नाम एंटर करूँगा, और उससे पहले मैं चूज़ करूँगा कि या तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ इस डोमेन का या एंड यूज़र हूँ। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मैं एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करके यहाँ पे अपना डोमेन नेम एंटर करूँगा। अब याद रखें जो डोमेन नेम है आप अक्सर जब एंटर करते हैं तो आप www भी लगाते हैं। ख्याल रहे कि जो www है वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स में डोमेन नेम कंसिडर नहीं किया जाता, वो कंसिडर होता है एज अ होस्ट नेम। टेक्निकल लैंग्वेज में www का जो पार्ट है उसको होस्ट नेम कहते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे ये डोमेन नेम मांग रहा है तो हम यहाँ पे www नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे अपना जो भी मेरा डोमेन नेम है ये मैंने लिख दिया, और करूँगा गेट स्टार्टेड। अजय देखें यहाँ पे बता रहे गूगल एप्स स्टैंडर्ड एडिशन इज लिमिटेड टू 50 यूज़र अकाउंट्स, जो कि बहुत है बहुत है। तो अब यहाँ पे हम ये अकाउंट भरेंगे, इसकी सारी इंफॉर्मेशन भरेंगे। तो अब इसको मैं भरता हूँ। यहाँ पे ये फॉर्म भरने के बाद क्योंकि इसमें बहुत ऑब्वियस सी डिटेल्स हैं, फ़र्स्ट नेम मांगेगा, लास्ट नेम मांगेगा, ईमेल, फ़ोन मांगेगा, तो वो मैंने आपको दिखाई नहीं है यहाँ पे, बस फिल कर दी हैं और अब मैं कंटिन्यू दबाऊंगा। बहुत ऑब्वियस सी डिटेल्स हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। कंटिन्यू क्लिक किया, ओके। अब यहाँ पे सेटअप में कह रहा है क्रिएट योर फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट अपना क्रिएट करता हूँ और उसको मैं चले नाम रख देता हूँ। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्रिएट कर लिया है, पासवर्ड एंटर कर दिया है और टर्म्स एंड कंडीशंस अब एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे आके आई एक्सेप्ट, कंटिन्यू विद सेटअप। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि इसने हमें ट्रांसफ़र कर दिया है एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल पैनल में गूगल ऐप्स के। बेसिक सेटअप अकाउंट का इस वक्त गूगल के एंड पे कंप्लीट हो चुका है। ये बात याद रखें कि जब हम गूगल ऐप्स और ईमेल को जब इंटीग्रेट करेंगे आपके होस्टिंग से, तो ये बेसिकली टू स्टेप प्रोसेस है कि पहले आप गूगल पे साइन इन करेंगे, उसके बाद आप जो होस्टिंग प्रोवाइडर है आप उसमें आप कुछ सेटिंग्स करेंगे जिसको हम कहते हैं DNS सेटिंग्स। तो एलिमेंट्री काम हो चुका है। अब ये यहाँ पे कह रहा है कि टू एक्टिवेट योर अकाउंट, बेसिकली अब गूगल ऐप्स ये चाहता है कि आप ये वेरीफाई करें कि जो डोमेन नेम आपने एंटर किया है क्या आप वाकई उसको ओन करते हैं कि नहीं। और वेरीफिकेशन के दो तरीके हैं, या तो आप इस डोमेन नेम में जाके farmanfatehpuri.net में जाके अपलोड कर दें HTML फाइल, या आप एक सी नेम रिकॉर्ड क्रिएट करें अपने उसमें डोमेन में, सही है जी। अच्छा, अब हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, अपलोड एन HTML फाइल टू farmanfatehpuri.net